फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो आज का वीडियो है डी मार्ट हॉल। अभी रिसेंटली ही मैं डी मार्ट गई थी, मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया। टू सब्सक्राइब टू सुपर स्टाइलिश नम्रता, क्लिक ऑन द रेड बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड रिमेम्बर सब्सक्रिप्शन इज टोटली फ्री। अभी रिसेंटली मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि मुझे स्टोरेज बॉक्सेस चाहिए थे जो कि 4 रैक्स वाले होते हैं, ऑर्गेनाइजर काइंड ऑफ, वो मुझे चाहिए थे। और मैंने किसी की वीडियो में देखा कि वो वहाँ पे बहुत चीप है, अराउंड अबाउट 800 के मिल जाएंगे वहाँ पे, जबकि अमेज़ॉन या कोई और ऑनलाइन साइट्स पे वो काफ़ी कॉस्टली हैं, 1500 से 2400 तक है उनका प्राइस। तो मैंने सोचा वहाँ जाया जाए डी मार्ट में और चेक किया जाए, बट वो प्रोडक्ट वहाँ पे स्टॉक आउट था और उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में आ जाएगा। सो आई थिंक मैं ट्राई करूँगी एक बार फिर जाने का, बट स्टिल मैंने कुछ शॉप कर लिया तो मैंने सोचा आप सबको दिखाया जाए, क्योंकि बहुत क्यूट क्यूट सी आइटम्स ली हैं मैंने। तो फर्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये क्यूट सा कढ़ाई या हांडी, जो भी कहना चाहें आप, इसमें आप सर्व कर सकते हैं बना के कुछ भी। इसका साइज़ है 6 इंचेस, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। स्टिल कई बार आप कम सब्जी बनाते हैं, जब गेस्ट आ जाते हैं तो कुछ सब्जियां कम क्वांटिटी में होती हैं, तो तब आप इसको सर्व कर सकते हैं, कुछ भी आप इस पे सर्व करके दे सकते हैं, चटनी या कुछ, बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी हैवी है ये और मेलामाइन का है, आई डोंट नो अबाउट द क्वालिटी मच, बट काफ़ी हैवी है। और इसका MRP है 69 और ये ऑरेंज कलर में है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ऐसा सेम मैंने ग्रीन कलर में भी ले लिया और ये भी 69 का है, ग्रीन कलर है, बहुत ही प्यारा लगा। उसमें थोड़ा इस टाइप का डिज़ाइन था ग्रीन और ऑरेंज वाली में। नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ हांडी या कढ़ाई, वो है वाइट कलर में, बहुत ही प्यारी है। इसमें आप रायता वगैरह सर्व करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार जो मेलामाइन के बर्तन होते हैं उनमें क्या होता है कि तेल अपना दाग छोड़ जाता है अगर आप तभी क्लीन ना करें तो। मोस्ट केसेस में मैंने देखा ऐसा होता है, कोई बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का हो तो आई डोंट नो कि उसमें शायद नहीं लगता हो तेल का दाग। तो इसका MRP है ₹300, जबकि ये मेरे को मिल गया है ₹169 में। और ये कितने इंचेस है, ये फूड ग्रेड है, 100% मेलामाइन है, इस पर मैंशन किया गया हुआ है, इस पर इसका साइज मेंशन नहीं है, आप खुद देख सकते हैं इसका साइज इससे काफ़ी बड़ा है। काफ़ी क्यूट लगे ये तीनों मेरे को, बट वाइट वाला बड़ा है। नेक्स्ट जो है मैंने ये लिया, ये ऑर्गेनाइज सा पेंसिल होल्डर कह सकते हैं आप इसको, अगर आप स्पून्स वगैरह डालना चाहें अपने या कुछ सीजर्स वगैरह डालना चाहें वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसका MRP है ₹50, जबकि ये मुझे 45 में मिल गया। नेक्स्ट मैंने लिए ये ग्लास बॉल्स, ये काफ़ी हैंडी रहते हैं क्योंकि सब्जी वगैरह मैं इसी में प्रेफर करती हूँ, मेलामाइन में नहीं ज़्यादा प्रेफर करती, नहीं तो आप नमकीन वगैरह या बिस्किट भी सर्व कर सकते हैं। MRP इसका ₹50 है और ये मेरे को 39 में मिला पर पीस। नेक्स्ट आइटम है ये बहुत क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र, लेट मी शो यू, आप इसको ज्वेलरी बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको टिश्यू स्टोर करने हो कार वगैरह में या घर पे ही तो वो रख सकते हैं, लिपस्टिक्स वगैरह डाल सकते हैं। बांस का या पतला पतला एक कर्टन से होते थे पुराने पुराने घरों में, कई लोग अभी भी यूज़ करते हैं, अच्छी लुक देते हैं, चिका बोलते हैं उसको, उसी मटीरियल का बना हुआ ये और बहुत ही सुंदर प्रिंट है, यू कैन सी। ये एक गिफ्ट बॉक्स है मेनली, इसका MRP है ₹110 और ये मेरे को 99 में मिला। और ऐसे करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा फोल्ड हो गया क्योंकि अभी मैंने इसको पॉलीबैग से निकाल के स्टोर नहीं किया था, जहाँ जहाँ मेरे को अरेंज करने हैं चीज़ें, क्योंकि मुझे अभी हॉल निकालना था तो ये थोड़ा सा अनप्रेस था या जो भी कह लें, इसमें लाइन्स पड़ गई हैं उस पॉली बैग में रहने के कारण। ये PVC का टेबल मैट है, आप चाहें तो आपके फ्रिज में जो शेल्स होती हैं, मेरी ग्लास की हैं और मेरा फ्रिज छोटा है, तो आई थिंक सिंगल डोर है मेरा फ्रिज और छोटा भी है, तो आई थिंक फ्रिज की शेल्स पे अरेंज हो जाएंगी, फ्रिज की शेल्फ बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो उस केस में ये काफ़ी हैंडी रहेगा। मैं काफ़ी टाइम से ऐसी कोई चीज़ ढूंढ रही थी, क्योंकि अगर आप ऐसी मैट्स रख देंगे तो ये गंदी होएगी
और वो थोड़ा कम गंदा होगा तो ये क्लीन करने में भी आसान है। और क्योंकि मेरी ग्लास शेल्फ्स हैं फ्रिज की और वो टूटने का भी डर लगता है, बहुत प्यार से साफ करनी पड़ती हैं। और इसका MRP है 66 जबकि ये मेरे को मिल गया 59 में। और ये मैंने 3 पीसेस ले लिए। सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो ये क्यूट सा कुशन, बहुत ही अट्रैक्टिव है ये। इस पर गोटा पट्टी डिज़ाइन है सेंटर में, 2 कलर्स हैं, एक्चुअली 3 कलर हैं, गोल्डन, मजेंटा, पर्पल एंड अगेन गोल्डन, और ये मस्टर्ड शेड में है। इसका MRP है ₹115 जबकि ये मेरे को 99 में मिल गया। देन अगेन वन मोर बास्केट। आप बोलेंगे बास्केट क्रेजी ही हूँ मैं। देखिए काफ़ी छोटा साइज़ है ये, और ये मेरे को छोटी सी ही 39 रुपीज़ में मिली है, जबकि मैंने उस दिन जो अपने बास्केट हॉल में दिखाई हैं वो इतनी बड़ी बड़ी मैंने इतनी चीप में ले ली हैं। और ये इसका MRP 44 था और ये मेरे को 39 में मिली है। फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर है इसका। नेक्स्ट मुझे दिखाना है बहुत ही क्यूट सा ग्लासवेयर जार सेट है, और 2 पीसेस का सेट है ये। ये है क्यूट से ये जार्स, बहुत ही क्यूट है। ये प्लास्टिक का लिड है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ओके काइंड है, बट ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। दो का सेट है, कुछ भी डाल सकते हैं आप। मैं अपनी किचन में प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करना थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, या तो ग्लास के कंटेनर या तो स्टील के कंटेनर यूज़ करती हूँ। इसका साइज़ है 750 ml और इसका MRP है 145 जबकि ये मेरे को मिल गया डी मार्ट का स्पेशल ऑफर प्राइस में ₹129 का। बहुत ही चीप लगा ये मेरे को। देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है बास्केट सी। इसमें आप फ्रूट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काफ़ी अलग सी शेप लगी मेरे को, काफ़ी वाइड सी स्पेस है इसमें, और आप इसमें फ्रूट डाल के रख सकते हैं और ऊपर से वो जो बड़ी सी जाली होती है वो उससे कवर कर सकते हैं ताकि मच्छर वगैरह ना बैठें। और इसका MRP है 100 और ये मेरे को 89 में मिल गया। मेरी कुर्ती के साथ मैच कर रहा है इसका कलर। देन ये 3 पीसेस फ्रिज बैग्स हैं, नेट्स काइंड ऑफ होते हैं ये, और इसमें जिप भी होता है, दिखा दूं मैं आपको। ये 3 पीसेस का पैक था, ये 60 रुपीज़ इसका MRP था, मुझे 45 में मिल गया, जबकि मेरे को दिख रहा है कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी आ गया मेरे को गलती से, 4 पीसेस आ गए। नेक्स्ट जो मैंने लिया ये एडहेसिव हुक्स हैं, कहीं पे भी आप स्टिक ऑन कर दें इनको और अपना यूजफुल सामान टांग सकते हैं। और इसका MRP है 28 जबकि ये मेरे को मिल गया 25 में। ये अगरबत्ती का पैक लिया मैंने, ₹125 का था, और इसके साथ मैंने आपको दिखाना है फ्रेग्रेंट कैंडल्स फ्री हैं। लास्ट टाइम का जो पैक था वो मेरा कल ही ख़त्म हुआ और मैंने पूरा नहीं निकाल के रखा था, इसी में डाल के रखा था कार्डबोर्ड पैकिंग में, तो आज मैंने देखा उसके अंदर भी ये फ्रेग्रेंस ही कैंडल्स फ्री हैं, टी लाइट कैंडल्स ही हैं ये, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी घर में मैंने जब उसे जला दिया था। इसका MRP है 125 जबकि ये मेरे को मिल गया 95 रुपीज़ में, तो काफ़ी ऑफ मिल गया इस पर मैं। देन मैंने ये ले लिया नैपकिन का सेट और ये बाय वन गेट वन फ्री था, इसका MRP है ₹50। उसके बाद मैंने लिए हैं ये हैंड टॉल्स, किचन टॉल्स हैं ये, किचन में यूज़ करने के लिए अच्छे रहते हैं, पतला स्टफ है इनका, और इसका MRP है 35 जबकि ये मेरे को 29 में मिल गया। ग्रीन वाले का MRP है ₹35 और ये मेरे को 30 में मिल गया, और काफ़ी फोल्ड हो चुका है ये, पॉलीथीन के अंदर पड़ा था इसलिए। ये भी मेरे को 29 का ही मिला है जबकि इसके ऊपर 30 मेंशन है, बट ये भी 29 का मिला मेरे को। उसके बाद मैंने लिया है ये एल्यूमिनियम फॉइल का रोल और ये बाय वन गेट वन फ्री था, 65 रुपीज़ इसका MRP है। देन मैंने लिया ये विम का डिश वॉश जेल, इसका MRP है 65, ये मुझे 61 में मिला। सो लास्ट मैंने लिया ही 1 लीटर मैगी का बॉटल और इसका MRP है 150 और ये मेरे को मिल गया 130 में। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा क्यूट सा डी मार्ट का हॉल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसके लिए आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, पर ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ईट हेल्दी, स्टे स्टाइलिश एंड बी हैप्पी। बाय बाय।